देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। मैं हूं अंबुज कुमार और अभी हमें मायथी विधानसभा में और यहां के जेडीयू के प्रत्याशी है जिनका टिकट भी क्लियर हो गया है गुंजेश्वर शाह जी। तो चलिए हम इनसे बहुत सारे मुद्दों पे बात करते हैं। गुंजेश्वर शाह जी आपका बहुत बहुत स्वागत है और हमारे चैनल की तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ भी है आपको जो इस बार जेडीयू के फिर प्रत्याशी आप बने। तो सर चुनावी माहौल में आप आ चुके हैं और कोरोना काल भी है, अब आप किस तरह से जनता के बीच अपने प्रचार प्रसार को लेकर जाएंगे या क्या उम्मीद है आपको अपनी जनता से? जनता से मुझे पूरी उम्मीद है और हम जो नियम है इलेक्शन कमीशन का और फिर ये कोरोना संबंधी जो नियम बनाया गया है इसको हम लोग पालन करेंगे, हर हालत में पालन करेंगे और उसी के आधार पर हम लोग अपना प्रचार प्रसार जारी रखेंगे। रह गई जनता की बात, तो जनता ने कहा है कि हमारा बहुत मेहनत किया हुआ है और लोगों को हमारे प्रति काफ़ी श्रद्धा है। हम समझते हैं ऐसी श्रद्धा हमने कभी अपने जीवन में नहीं देखा, जितनी श्रद्धा भी जनता का मेरे प्रति है और उन लोगों ने बड़ा खुली मन से मदद करने का आश्वासन दिया है और वो लोग कार्यरत भी हैं। सर मायथी में जो है बेरोजगारी की समस्या भी काफ़ी है, तो उसमें आपका क्या योगदान है? हमारे यहाँ बेरोजगारी इसलिए है कि ये कोसी से प्रभावित एरिया है और मायथी उसमें पूरे हिंदुस्तान में सबसे अधिक प्रभावित एरिया था। लेकिन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष और माननीय मुख्यमंत्री दोनों के गार्जियन और वो युग दृष्टा भी है, वो सब चीज़ को देखते ही जो बलभा पुल और निर्माण करवाया वो सबकी जिंदगी में नई परिवर्तन आई है। और सहरसा जो मिथिला हमारा था ये दो भाग में बटा हुआ था, शादी संबंध भी हम लोग का बंद हो गया था, रिश्ता भी कम पड़ गया था और 6 महीना से 7 महीना लोग तटबंद के अंदर और कुछ 4 किलोमीटर बाहर भी मानी बड़ी बुरी हालत से जीते थे, जिसके जीवन में कभी आज़ादी नहीं देखा, जिसमें खुशी नहीं देखा और मैंने बहुत बुरी हालत में जीते थे। कार जो है कीचड़ है ये और भाकन और मच्छर उपस्थित, अगर वहाँ का बाल बच्चे अगर पंजाब हरियाणा दिल्ली नहीं जाते तो माँ बाप का कफन भी नसीब नहीं था, ये स्थिति उनकी थी। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कृपा से जब बलवा पुल बनी है तो सब के जिंदगी में एक नई जिंदगी आ गई है, घर घर सड़क बन रही है, घर घर बिजली लग गई है, जल नल का भी काम चल रहा है और सब लोग हर गांव में अब कोई गांव नहीं है जहां 2-4-5 गाड़ियां नहीं हैं, अच्छे अच्छे बिल्डिंग बन रहे हैं, लोग बड़ी खुशहाल हैं। लेकिन तटबंध के बाहर जो 4 किलोमीटर का अंदर तटबंध से बाहर पूरब 4 किलोमीटर के अंदर पश्चिम में भी 2-3 किलोमीटर अंदर ये लोगों का जीवन अब भी बेहाल है, इसलिए कि वाटर लॉगिंग उसकी सबसे बड़ी समस्या है। और वाटर लॉगिंग की समस्या अगर दूर हो जाए वहाँ गृहस्थ को एक फिर बाहर वाले गृहस्थ की नई जिंदगी मिल जाएगी और हम लोग चाहेंगे। सर आप 2005 में भी वहाँ के विधायक रह चुके हैं, उसमें आपकी क्या योगदान? मेरा योगदान यही रहा, मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री से रोध होकर के भी बलभा पुल जो जीवन रेखा बना हुआ है वो पुल बनवाने का हमने काम किया है माननीय मुख्यमंत्री के पास से। और फिर एक राधनपुर कर्णपुर रोड जो कभी चौधरी जी कहते थे इसमें सड़क हो गया, कभी आनंद मोहन जी कहते इसमें कुछ हो गया, उस सड़क को हमने ये उसको बनवाया। कोई पुल पुलिया हाई स्कूल कॉलेज कहीं कोई जगह हॉस्पिटल जहाँ जो मिला बाद में करने के लिए हमको कोई सड़क नहीं मिलता था सरकारी सड़क जहाँ पर हम काम कर सकें और पुल पुलिया काफ़ी बन रहा है। अभी तो 500-550 अब 900 करोड़ का होगा बलवा पुल, 52 करोड़ का है तलवा का पुल, वो नवाटा में पुल है उसका कोई गिनती कितने पुल बनवाए हैं उसका गिनती तो नहीं रखते हैं। काफ़ी पुल पुलिया सड़क हाई स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल सबका निर्माण करवाया। सर शिक्षा की कमी महसूस काफ़ी ज़्यादा है, आपको क्या लगता है? हाँ है कमी, हम महसूस भी करते हैं, इसलिए कमी अब नहीं रहेगी, इसलिए पहले इसलिए थी कि तटबंध के अंदर में नाव के सिवा कोई चारा नहीं था, आवागमन नहीं था, बरसात के मौसम में नाव नहीं चलती थी, तूफान आता था काफ़ी तेज हवा थी नाव नहीं चलती थी, शिक्षक जा नहीं पाते थे, अगर कोई शिक्षक बहाल है तो अंदर रहने का व्यवस्था नहीं थी।
ऐसी परिस्थिति में शिक्षक सब निश्चित रूप से अनमना रूप में स्कूल चलाते थे, कभी खुलती थी कभी नहीं खुलती थी, बच्चे हमारे सफर करते थे, अब ऐसी बात नहीं है। सर, कोरोना काल में आपने मास्क और सैनिटाइजर का जिस तरह से वितरण किया, तो क्या आपको कोरोना का डर नहीं होता है? कोरोना का डर तो सबको है, पूरी दुनिया को कोरोना का डर है और हमको भी है, और हम लोग चाहते हैं हर व्यक्ति को मास्क रहे, दो मीटर की दूरी का वो लोग पालन करें, हम लोग भी करेंगे, नहीं करेंगे तो इस बीमारी से कोई बच नहीं सकता। सर, इस बार के फिर से अगर आप विधायक के पद पर आते हैं तो किसान और छात्रों के लिए आपका क्या योगदान है? हम लोग तो चाहेंगे कि किसान के जो कह दिए ना कि वाटर लॉगिंग की समस्या का समाधान, और विद्यार्थी के स्कूल कॉलेज नियमित रूप से चले, पढ़ाई सही हो, शिक्षक हमारे काली है तो विद्यार्थियों से जो है कॉलेज फॉर्म के नाम पे लूटा जा रहा है, पैसा क्या जाता है, जिस फॉर्म का कीमत 150 रुपया उसका 200-300 लिया जाता है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अगर ऐसा हो रहा है तो उचित नहीं है, अनुचित है, उसको रोका जाना चाहिए, मौका मिलेगा तो रोकेंगे। तभी हम बात की कुंजेश्वर शाह जी से, उनका कहना है जो इस बार फिर अगर वर्तमान विधायक होते तो सर्वप्रथम कार्य मेरा किसान और छात्रों के हित में होगा। देखते थे मोबाइल न्यूज 24, मैं हूं अमित कुमार।